कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूं कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूं, मैं यहां सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य हैं और आप इसको प्रेसाइड करते हैं। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं, उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ, बाकी अध्यक्ष जी आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलो, पूरी पूरी आप क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।